हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आप आजकल एक वायरस का नाम सुन रहे होंगे अपने सामने, ओमिक्रॉन वायरस। और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लग रहा है। और क्या क्या इसके नुकसान है, क्या है ये वायरस, आज मैं वही सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपके जितने भी भाई दोस्त रिश्तेदार सब हैं, आप उन सबको बताना कि अगर वो लोग लापरवाही करेंगे या फिर आप लापरवाही करोगे तो क्या क्या इसका परिणाम हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब 2019 के एंड में कोरोना वायरस आया, और उसके बाद आपने नए नए वर्जन वायरस के देखे होंगे। जितने भी ये वर्जन थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, जो ओमिक्रॉन से पहले के वर्जन थे, ये वेरियंट ऑफ कंसर्न के रूप में आते हैं। यानी कि ये वो वायरस हैं जिनसे सभी को खतरा है। जितनी भी ये दुनिया है, ये देश है, उन सबको इन वायरसेस से खतरा है। अब इंडिया में इससे इन्फेक्टेड 5 लोग पाए गए हैं, 2 कर्नाटका में, 1 दिल्ली में, 1 महाराष्ट्र में और 1 गुजरात में। ये ऑफिशियली है कि जो 5 बंदे हैं ये ऑफिशियली इन्फेक्टेड हैं इस ओमिक्रॉन वायरस से। ना जाने अभी और भी कितने लोग ऐसे घूम रहे होंगे इंडिया में भी। अब ये जो वायरस है, ये आया था साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से ये वायरस पहली बार देखने को मिला था 24 नवंबर को। बाद में फिर साउथ अफ्रीका ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी WHO को, और इसे WHO ने 26 नवंबर को बताया कि हाँ भाई, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आता है और इससे हमको परेशानी हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो भी वायरस है, ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो सेम हैं एज अ कोरोना वायरस से। जो कोरोना वायरस में सिम्टम्स पाए जाते थे, वही सिम्टम्स इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे कि सांस ना लेना, ऑक्सीजन की कमी होना, गले में जलन होना, बदन में जलन हो रहा और बदन दर्द होना, जुकाम होना, बुखार होना, ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। पर जो डेल्टा वर्जन था कोरोना का, वो बहुत ही ज़्यादा घातक था। और जो इंडिया में जब सेकंड वेव आई, उसी की बदौलत वो आई थी। और ये जो ओमिक्रॉन है, उससे भी बेहद ज़्यादा खतरनाक है। अब आप अपने पास काफ़ी लोग देख रहे होंगे, आप अपने आस पास, जिन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया है। अगर आप अभी भी घर के बाहर जाओगे तो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा और वो ऐसे ही रोडों पर चल रहे होंगे। तो दोस्तों, जितने भी आप अपने आसपास लिए लोग देखोगे, इन्हें ज़रूर बोलना कि भाई मास्क पहनो। अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो जितने भी आपके आसपास लोग होंगे, वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं आपकी बदौलत। अगर आप केयरलेस बनोगे तो बाकी लोग भी केयरलेस बन जाएंगे। क्योंकि आप जब अपने सामने वाले को देखते हो कि भाई इसने तो मास्क नहीं लगाया, तो अपने आप ही दिमाग में ये आइडिया आता है कि भाई हम भी क्यों लगाए जब उसने नहीं लगाया सामने वाले ने। और ऐसे ही ये वायरस बढ़ता है। ओमिक्रॉन वायरस है, ये भी सिमिलर है कोरोना वायरस की तरीके से, तरह ये भी फैलता है एक जने से दूसरे जने में, एक दूसरे से तीसरे में। पर जो इसकी रेट ऑफ ग्रोथ है, वो डेल्टा जो वर्जन था कोरोना का, उससे भी ज़्यादा है। मतलब कि ये उससे भी तेज़ी से फैलता है। और इसीलिए दोस्तों, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मामले में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे ये उम्मीद रखता हूँ और उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मास्क पहने। और जितने भी लोग अपने आसपास देखते हैं, उन्हें बोलिए कि भाई मास्क पहनो। एज अ सोशल बींग, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ समझें, मास्क पहने, और साथ ही में अपने हाइजीन का ख्याल रखें। आप साफ़ सुथरे रहें, हाथ धोएं, हर चीज़ करें जो भी आपको इस वायरस से बचा सकती हो अभी से ही। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इस टाइम सोच रहे होंगे भाई लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन लग जाए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे, कुछ क्या मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं कि जो ये सोचते हैं कि भाई लॉकडाउन लग जाए। पर आपको पता है कि कितने लोग लॉकडाउन की वजह से मरे हैं? काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, काफ़ी लोगों का घर ऐसा था जो अगर सुबह कमाएंगे तो शाम को लाके अगर जब भी वो खाना खा सकते हैं, मतलब कि सुबह कमाओ शाम को लाओ तभी खाना खाओ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दिन की दिहाड़ी अगर उन्हें मिलती तो ही उनका घर चलता था। ऐसे लोगों की लाश पाई गई है घरों में सड़ते हुए, ऐसे क्योंकि वो बाहर जाके किसी से मांग नहीं सकते थे शर्म की वजह से, मांगेंगे मतलब शर्म आएगी, घर में भूखे पड़े पड़े वो मर गए। आपके लिए ये जो फ़ायदेमंद हो सकता है लॉकडाउन, ऐसा लगता है आपको, पर लॉकडाउन से क्या हुआ था ये आप पिछली सेकंड वेव में देख सकते हैं। इंडिया में कितने ज़्यादा लोग मरे थे, आपके मेरे काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार ऐसे थे जो कि कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। आपके भी कोई जानने वाला ऐसा हो जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो, कई लोगों के माँ बाप, बेटा, भाई, बहन डेथ हो गई थी। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों कि
किसी तरीके से बस लॉकडाउन लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इसके लिए प्रे करो कि जल्दी से जल्दी ये वायरस ख़त्म हो ताकि लोग फिर से रोज़गार कर सकें, अपना घर चला सकें। लोगों के लिए प्रे करो, अपने लिए प्रे मत करना, क्योंकि आपके लिए भी कोई और प्रे करेगा अगर आप किसी और के लिए प्रे करोगे तो। दोस्तों ये वायरस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि आप उसकी उम्मीद ही भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वायरस है वो डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। आपको बता दूं कि जो डेल्टा वायरस था, आपने देखा होगा एक जो जर्म्स रहते हैं उनके ऊपर स्पाइक्स सी बनी रहती है, वो डंडी सी बनी रहती है, उसे स्पाइक्स कहते हैं, प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं। तो 9 म्यूटेशंस ऑफ प्रोटीन स्पाइक्स थी डेल्टा वायरस में, और ये जो आया है वायरस इसमें 32 हैं, 32 डेल्टा में 9 थी इसमें 32 हैं। तो आप देख ही सकते हैं इस बात से कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा ये। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है ये औरों को भी बताना ताकि और भी जागरूक हो सकें। सेकंड लॉकडाउन के बाद से लोग ढीले पड़ते जा रहे हैं, अपने आसपास भी देखोगे तो कोई मास्क नहीं लगाता, पर आपको उन्हें जागरूक करना है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे अवेयर।